अस्सलामुअलैकुम। 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया। सईद गनी साहब ने खुद एक ट्वीट की थी कि कोई भी एंकर आए, कोई भी मुझसे सवाल करे, मैं उसका जवाब दूंगा। और मैंने मुअद्दबाना तौर पर एक चैलेंज उनके सामने रखा था कि आप वजीर तालीम हैं और जिस हलके में आप 20 साल से सियासत कर रहे हैं, मैं वहां आता हूं, और अगर आपके अपने हलके के स्कूलों के अंदर गधे ना बंधे हुए हों, अगर आपके अपने हलके की डिस्पेंसरी के अंदर घुटनों घुटनों गटर का पानी मौजूद ना हो, तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप सियासत से दस्तबरदार हो जाइएगा। मेरा यह ख्याल था, अच्छे आदमी हैं, भले दिखते हैं, भली बातें करते हैं, कि मेजबानी करेंगे, हमारी मेहमान नवाजी करेंगे, और अगर हम किसी गलती की निशानदेही करेंगे तो उसे खुले दिल से तस्लीम करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मामला इसके उलट हुआ। आप अंदाजा कीजिए, सिंध के वजीर तालीम सईद गनी साहब ने लानते भेजने वाले ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया और अजीबो गरीब गालम गलोच शुरू कर दी गई, जाती तौर पर भी, इदारे के खिलाफ भी। कोई भी फर्द, कोई भी इदारा परफेक्ट नहीं हो सकता, मुमकिन है बहुत सारी गलतियां होती हों। मैं अपनी जात की हद तक आपको बता सकता हूं कि पिछले 15 साल में हमेशा यह हक हासिल रहा है कि हम इदारे की किसी भी पॉलिसी से इख्तलाफ करें, और पॉलिसीज इख्तलाफ के नतीजे में तब्दील भी होती रही हैं। मेरी जात की हद तक भी ये हो सकता है। मैं बिल्कुल ये कोई दावा नहीं करता कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी पिछले 24-48 घंटे में, शायद मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो जिससे किसी की दिल आजारी हुई हो, तो मैं खुले दिल से बगैर किसी झिझक और शर्म के माजरत चाहता हूं किसी की भी दिल आजारी हुई हो। लेकिन सईद गनी साहब का भरम बहुत बुरे तरीके से टूटा है। मेरा ख्याल था एक दबंग, एक मुनासिब, एक पॉजिटिव आदमी है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा साबित नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैं एक पेशकश करता हूं उनको, क्योंकि देखें मेरे खिलाफ, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें, उनकी, उनके भाइयों की, उनके कजनों की FIRें, वीडियोस और पता नहीं क्या कुछ आ गया, लेकिन अब लगता है ये जाती जंग हो जाएगी अगर इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरी पेशकश ये है कि वो स्कूल जहां गधे मौजूद थे और कल आपने वहां से वो गधे हटवा दिए, आइए मैं और आप, हम दोनों खड़े होकर उस स्कूल को रंग करते हैं, वहां पौधे लगाते हैं, किताबें और कॉपियां देते हैं बच्चों को, हमारे रजाकार ड्यूटी लगा लेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिंध से आपको भी मोहब्बत अगर है और मैं भी मोहब्बत का दावा करता हूं, तो आइए सिंध के इन बच्चों को पढ़ाते हैं उसी स्कूल में जिस स्कूल के हवाले से हम बात कर रहे थे। मेरी तरफ से मेरी तमाम तर खिदमात हाजिर।